नमस्कार प्रणाम, हम हई रहो भाई रहो दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। तो उहे चैनल बत कही लेके फिर आ गई बनी आ सब्सक्राइब करी आ जन रुआ हमरा के सब्सक्राइब कर तनी बहुत बहुत धन्यवाद। एकरा खातिर जनिए भोजपुरी के मान सम्मान रुआ बढ़ाओ तनी जनिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल यानी हमरा के हमारा गीत संगीत आ हमरा टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी आ बड़े बड़े कैसेट कंपनी डीएफ कंपनी से हमरा गीत संगीत के जन प्यार आशीर्वाद देता नहीं ओइया ये बत कही ये भोजपुरी के सम्मान रुआ बढ़ाओ तनी आ सब्सक्राइब कर तनी शेयर कर तनी ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ा के आ बात पहुंचाओ तनी ओकरा खातिर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आज एगो बड़ा खबर लेके आई बनी, आज एगो अइसन खबर लेके आई बनी जौन सुन के रुआ आश्चर्य। देखिए आज सीसवन थाना क्षेत्र के सनबरसा गांव में अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया जिसमें दो व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ, एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। और दूसरी घटना मैरवा में हुई है जो 11,000 वोल्ट के तार से चपेट में आने से एक युवक का मौत हो गया है। और तीसरी घटना है जो हसनपुरा थाना के अरंडा गाँव में जमीनी विवाद में आपस में एक ही परिवार के तीन व्यक्ति को जख्म कर दिया है, काफ़ी बुरी तरह हो गया है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर निश्चित तौर पर जो रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक लक्ष्मीपुर ढाला पर भी बहुत मजदूर क्लास के व्यक्ति है उसका भी एक्सीडेंट हो गया है, जिसका सदर अस्पताल में भी भर्ती है। निश्चित तौर पर परिवहन विभाग द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जो रोड पर गाड़ी चलती है उसको सघन जाँच किया जाए, नियम कानून का पालन किया जाए कि कौन व्यक्ति लाइसेंसधारी है कौन व्यक्ति नहीं है, जिसका कहीं ना कहीं लापरवाही प्रतीत हो रहा है, जिसके आए दिन इस तरह की घटना घट रही है। मांग क्या कि घटना घट किया तो वापस नहीं किया जाएगा, ताकि सरकार के नियम है कि अगर रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मर जाता है उसको अब 5 लाख रुपया दिया जाएगा, घायल व्यक्ति को 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो हम सर जिला पदाधिकारी और परिवहन विभाग के पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि उस व्यक्ति को तत्काल मुआवजा दिया जाए कि ताकि उसको इलाज कराने में सहयोग हो सके। और बिजली विभाग में जो घटना घटी है, हमको लगता है कि 5 बरिस से हम लोग देख रहे हैं कि बिजली विभाग में जितना भी घटना घटा है आज तक ले किसी भी व्यक्ति को मुआवजा बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा नहीं दिया गया है, तो पेंडिंग है। तो इसको लेकर आप सिवान जिला अधिकारी से क्या मांग करें? मैं जिला पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि जितना लंबित आपदा के तहत जो बिजली विभाग में फाइल पड़ा हुआ है उसको अपने देख रेख में उसको अविलंब भुगतान कराने का काम किया जाए। और जो बाकी और रोड एक्सीडेंट में बहुत लोगों को 150 से 200 लोगों की अभी फाइल पेंडिंग है, उसको भी आज तक मुआवजा नहीं मिला, उनको भी भुगतान करने का काम किया जाए, यही मेरा जिला पदाधिकारी से मांग। परिचय बता दीजिए अपना। श्रीनिवास यादव, सामाजिक कार्यकर्ता। सुनी भोजपुरी चैनल के यानी बतकही चैनल के सब्सक्राइब करी शेयर करी।